युवा पीढ़ी के लिए, राजस्थान के अंदर भी अभी कल से ही हम शुरू कर रहे हैं। जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था राहुल गांधी जी ने, 3,500 रुपये, नमस्कार, जय हिंद, मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली रिनेशन। अभी तक सचिन पायलट को मनाने के लिए जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी लगे हुए थे, उसके बाद अब जो खबर आ रही है, यानी कि सचिन पायलट के विधायक खेमे से जो खबर आ रही है, वो यही दर्शाती है कि सचिन पायलट की घर वापसी हो रही है। यानी कि सचिन पायलट फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन इसी खबर आने से अशोक गहलोत को मिर्ची लगी है, क्योंकि अशोक गहलोत ने खूब मेहनत की थी अपनी जीत का परचम लहराने के लिए। लेकिन क्या फायदा, मेहनत अगर असर न लाए तो कामयाबी नहीं होती है। अगर सचिन पायलट वापस आ जाते हैं पार्टी में तो सब कुछ वैसे ही चलने लगेगा, यानी कि अशोक गहलोत ने जो इतनी राजनीति रोटियां से की, जो इतनी राजनीति की है, उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। वहीं पर सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ये सभी लोग चाहते थे कि सचिन पायलट वापस आ जाएं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि नकारा निकम्मा जैसी गाली देने के बाद सचिन पायलट वापस आ रहे हैं, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला। यही नहीं बल्कि अशोक गहलोत लगातार कांटेक्ट बनाए हुए हैं, राहुल गांधी से लगातार बातचीत हो रही है, प्रियंका गांधी से बातचीत हो रही है, फोन से बातचीत हो रही है, और फोन पर किस तरह से बातचीत हो रही है वो भी आपको सुनाएंगे। बस अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि बड़ी राजनीति हुई थी, यहाँ तक कि राज्यपाल को भी बीके होने का आरोप लगाया था अशोक गहलोत ने ये कहा था कि राज्यपाल सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ये राज्यपाल की मर्जी नहीं बल्कि ऊपर से ही कोई आदेश। तो यहाँ पर राज्यपाल पर भी आरोप लगाए गए थे। उसके बाद 14 अगस्त को विधानसभा सत्र होने वाला है, उस असेंबली सेशन में किसकी जीत होती है, हार होती है, या उससे पहले ही सचिन पायलट आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी और असेंबली सेशन को भी शायद निरस्त करना पड़े। चलिए आपको बता दें, खत्म नहीं हुई खटास, सचिन पायलट की घर वापसी के बाद अब अशोक गहलोत खेमा नजार जो है वो नाराज हैं। बड़ी बात है, कांग्रेस आला कमान के दखल के बाद राजस्थान का सियासी घमासान तो सुलझ गया, लेकिन कांग्रेस के विधायकों में नाराजगी अभी भी बरकरार है। मंगलवार को जैसलमेर में अशोक गहलोत समर्थक विधायकों की मीटिंग में उसका नजारा देखने को मिला। ऐसे में आज का दिन कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पायलट और गहलोत खेमे के विधायक आज विधायक दल यानी कि CLP की बैठक में आमने सामने होंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बैठक में हंगामा होता है या फिर गिले शिकवे मिटाकर गहलोत और पायलट एक दूसरे को गले लगाते हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने पार्टी से किसी पद की मांग की ही नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके साथ आवाज़ उठाने वाले विधायकों के खिलाफ कोई द्वेषपूर्ण कार्रवाई ना हो। अपने बगावती व्यवहार से राज्य की राजनीति में घमासान मचाने के बीच लगभग एक महीने बाद जयपुर लौटे पायलट ने उम्मीद जताई कि पार्टी आला कमान द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति जल्द ही अपना काम शुरू करेगी। चलिए आपको बता दें अहम जानकारियां जो इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार रात हुई। बैठक में कई विधायकों ने सचिन पायलट व अन्य बाकी विधायकों की वापसी को लेकर नाराजगी भी जताई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बदले राजनीतिक समीकरणों से विधायकों को अवगत कराया है। यही नहीं बल्कि कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बागी विधायकों
को सरकार में कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि आला कमान के फैसले का सम्मान करते हैं। जैसलमेर की बैठक में पायलट की वापसी को और विधायकों की नाराजगी पर मुख्यमंत्री गहलोत ने सबसे कहा कि आला कमान का आदेश सर माथे पर होता है। इसके साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि जिस भी विधायक ने इस संकट में पार्टी के प्रति निष्ठा रखी है उस विधायक के किसी भी हित के साथ समझौता नहीं होगा। और उन्होंने कहा है वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन्हें उनके हक को प्रभावित ना हो। कांग्रेस के विधायक आज 11 बजे तक जयपुर लौट सकते हैं। उन्होंने जयपुर की बता दें जिस तरह से उन्होंने जयपुर के फेयर माउंट होटल में ठहराया जा सकता है जहां वह पहले भी ठहराए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के विधायकों को होटल में विधानसभा सत्र हो जाने तक ठहराया जा सकता है। कांग्रेस के विधायकों को आज एक मीटिंग भी होनी है। यहां गहलोत और पायलट खेमे के विधायकों का आमना सामना भी हो सकता है। सचिन पायलट जयपुर लौट चुके हैं और आज के विधायकों की मीटिंग में शामिल भी हो सकते हैं। अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी मुलाकात नहीं की। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस के विधायकों के बीच सुलह कराने के लिए CLP की बैठक तैयार कराई जा रही है। क्या इस बैठक में गहलोत और पायलट एक दूसरे के साथ नजर आएंगे। 14 अगस्त तक राजस्थान में होने वाली हर चहलकदमी महत्वपूर्ण है क्योंकि 14 अगस्त से राजस्थान का विधानसभा सत्र होना है। इधर BJP ने अपनी रणनीति बदल दी है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक गुरुवार को जयपुर के पार्टी कार्यालय में होगी। BJP प्रदेश अध्यक्ष जो है सतीश पुनिया ने बताया कि 13 अगस्त को भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में विधायक दल की बैठक आयोजित होगी। यानी कि ये बड़े मुद्दे थे जो हमने बताए हैं। और क्या उस CLP में यानी कि उस कांग्रेस के विधायकों की बैठक में बेहद देखना ज़रूरी यह है कि सचिन पायलट आएंगे या नहीं। क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत उस वक्त गले मिलेंगे या नहीं, या फिर नकारा निकम्मा जैसी गालियां देते हुए संबोधित करेंगे। ये तो बस चंद पल ही बचे हैं, आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो राजनीति थी वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलायन चंद मिनटों में हो गया था। उन्होंने चंद मिनटों में बता दिया कि हम BJP ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट ने आज तक भी नहीं कहा था कि मैं BJP में जाऊंगा। तो आज साबित हो रहा है कि सचिन पायलट ना तो BJP में जाएंगे और ना ही कोई लगता है पार्टी बनाएंगे, बल्कि वो दोबारा से कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं। अब आने के बाद लड़ाई होगी पद की, क्योंकि सचिन पायलट चाहते हैं कि CM का पद उन्हें मिले, मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें चाहिए। लेकिन देखना ये है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसको मिलती है। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, अनुरोध करता हूँ वीडियो को शेयर करें। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।